इमेज प्लेयर तो आप सभी लोग यूज करते होंगे वीडियो देखने के लिए, लेकिन क्या आपको पता है कि इमेज प्लेयर में बहुत सारे हिडन फीचर है? अगर नहीं पता है तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा इमेज प्लेयर में छुपे हुए कुछ हिडन फीचर के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। टेक्नोलॉजी टिप्स ट्रिक्स एंड रिव्यूज। नए वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए क्लिक कीजिए बेल आइकन पर। ओके, अभी हम आ चुके हैं हमारे मोबाइल डिवाइस पे, और जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पर मैंने एमएक्स प्लेयर को इंस्टॉल कर लिया है। और आपके पास अगर एमएक्स प्लेयर ऑलरेडी इंस्टॉल है तो उसको एक बार अपडेट कर लीजिए, क्योंकि हो सकता है कि कुछ कुछ सेटिंग आपके मोबाइल में नहीं चले। तो सबसे पहले आपको एमएक्स प्लेयर को अपडेट कर लेना है, और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना क्योंकि मैं यहाँ पर बहुत सारे मज़ेदार ट्रिक आपको दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको इमेज प्लेयर को ओपन कर लेना है, और देखिए यहाँ पर एक वीडियो सैंपल्स नाम का एक फोल्डर है जहाँ पर कुछ वीडियो सैंपल्स है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि अगर आपके पास बहुत ज़्यादा रेजोल्यूशन का कोई वीडियो है और अगर आपके मोबाइल में ठीक से नहीं चल रहा है तो आप इसको कैसे चलाएंगे। तो सबसे पहले मैं एक वीडियो को प्ले कर लेता हूँ, और देखिए अगर आपके केस में अगर वीडियो ठीक से नहीं चल रहा है तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन आपको दिखाई देगा HW ऑप्शन ऊपर में, तो आपको वहाँ पर क्लिक करना है। और देखिए यहाँ पर तीन डिकोडर ऑप्शन दिखाई दे रहा है, HW, HW प्लस और SW, और आपको यहाँ पर सेटिंग को चेंज करके देखना है कि कौन से सेटिंग में आपका जो वीडियो है वो ठीक से चल रहा है। तो और इस सेटिंग को चेंज करके आप कोई भी वीडियो को आराम से प्ले कर सकते हो एमएक्स प्लेयर में। दूसरा है लॉक स्क्रीन ऑप्शन। मान लीजिए कोई वीडियो को आपने चला दिया, उसके बाद हाथ लग के वीडियो थोड़ा सा पॉज हो गया या फिर थोड़ा सा आगे चला गया, तो इस प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए देखिए नीचे यहाँ पर एक लॉक का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो लॉक ऑप्शन को आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद देखिए आपका स्क्रीन पूरा का पूरा फ्रीज हो जाएगा और यहाँ पर टच काम नहीं करेगा और आपका वीडियो भी आराम से चलेगा। तो ये काफ़ी एक यूजफुल फीचर है, और अगर आप फिर से लॉक को ओपन करना चाहते हो तो यहाँ पर देखिए ऊपर में ये लॉक का ऑप्शन दिखा रहा है, अगर आप फिर से इसको टच करेंगे तो पहले जैसा हो जाएगा। तो एक काफ़ी यूजफुल फीचर है, और आप भी इसको ट्राई कीजिएगा। तीसरा है थीम चेंज करना। अगर आप बहुत ज़्यादा कस्टमाइजेशन पसंद करते हो और आपको थीम चेंज करना काफ़ी पसंद है तो आपको भी एमएक्स प्लेयर में ये ऑप्शन मिल जाएगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर जो ऊपर में तीन डॉट दिखाई दे रहा है वहाँ पर जाना है, उसके बाद जाना है सेटिंग में, और उसके बाद देखिए पहला ऑप्शन दिखा रहा है लिस्ट, तो वहाँ पर जाने के बाद देखिए पहला ही ऑप्शन है थीम का, तो आप यहाँ से अपने हिसाब से थीम चेंज कर सकते हो। तो मैं एक थीम को सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद देखिए पूरा का पूरा थीम यहाँ पर चेंज हो गया है, तो दिखने में काफ़ी अच्छा लगता है। और अगर आप प्लेयर को भी चेंज करना चाहते हो, प्लेयर का जो थीम है, तो सबसे पहले आपको प्लेयर में जाना है और वहाँ पर भी आपको थीम एक ऑप्शन मिल जाएगा, तो आप यहाँ से अपने हिसाब से अपने पूरा का पूरा एमएस प्लेयर को कस्टमाइज़ कर सकते हो। और जिन लोगों को कस्टमाइजेशन पसंद है उनको काफ़ी अच्छा लगेगा एमएस प्लेयर का ये फीचर। नेक्स्ट है बैकग्राउंड प्ले। अगर आप कोई वीडियो को चलाते हो जैसे कि मैं यहाँ पर चला रहा हूँ, और अगर आप उसके बाद यहाँ से वापस आ जाते हो तो आपका वीडियो बंद हो जाता है, और कभी कभी हम म्यूज़िक वीडियो देखते हैं तो उस केस में हमको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। तो अगर आप इस प्रॉब्लम से छुटकारा पाना चाहते हो तो आप पहले यहाँ पर जो तीन डॉट है वहाँ पर क्लिक कीजिए, उसके बाद जाइए सेटिंग में, उसके बाद जाइए प्लेयर में, और थोड़ी देर स्क्रॉल कीजिए नीचे, तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा बैकग्राउंड प्ले, तो उसका आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद अगर मैं कोई भी वीडियो को यहाँ पर चलाऊँगा तो देखिए क्या होता है। तो मैं वीडियो को चला दिया, उसके बाद अगर मैं बैक भी आ जाऊँ तो वीडियो बाहर चलता रहेगा और जो म्यूज़िक है वो भी चलेगा। जैसे कि आप देख सकते हो कि मेरा वीडियो को तो बंद हो गया है लेकिन यहाँ पर म्यूज़िक भी चल रहा है, तो काफ़ी एक यूज़फुल ट्रिक है, और इसकी मदद से आप कोई भी म्यूज़िक वीडियो को आराम से प्ले कर सकते हो, और ये काफ़ी अच्छा फीचर है। नेक्स्ट है म्यूज़िक प्लेयर। जी हाँ, आप अपने एमएक्स प्लेयर को भी म्यूज़िक प्लेयर जैसे यूज़ कर सकते हो। तो उसके लिए सबसे पहले आपको सेटिंग में जाना है, उसके बाद देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा ऑडियो का, तो वहाँ पर आपको जाना है और सबसे पहला जो ऑप्शन है ऑडियो प्लेयर उसमें आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद अगर आप वापस जाएंगे तो देखिए यहाँ पर जो मैं मेरे मोबाइल में म्यूज़िक फाइल है यहाँ पर शो होगा, और आप यहाँ से कोई भी म्यूज़िक को आराम से प्ले कर सकते हो। और ये जैसे कि आपका म्यूज़िक प्लेयर है बिल्कुल सेम टू सेम यहाँ पर काम करेगा। देखिए मैं यहाँ से वापस आ गया, फिर भी यहाँ पर मेरा बैकग्राउंड में ये म्यूज़िक चल रहा है, तो ये काफ़ी एक अच्छी फीचर है। लास्ट है हाइड वीडियोस। जी हाँ, आप अपने इमेज प्लेयर में कोई भी वीडियोस को हाइड भी कर सकते हो। तो उसको कैसे करना है, मान लीजिए मैं यहाँ पर जो वीडियो सैंपल्स जो फोल्डर है इसको मैं हाइड करना चाहता हूँ, तो कोई भी फोल्डर को आपको थोड़ी देर दबा के रखना है, तो मैं यहाँ पर दबा देता हूँ, और देखिए यहाँ पर तीन डॉट यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो आपको यहाँ पर तीन डॉट में जाना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा हाइड, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है, उसके बाद ओके कर देना है।
तो देखिए मेरा जो म्यूज़िक सैम्पल्स जो फोल्डर था वो बिल्कुल यहाँ पर हाइड हो गया है। तो ये काफ़ी मज़ेदार ट्रिक है। और अगर आप फिर से इसको वापस लाना चाहते हो तो फिर से आपको उस तीन डॉट में जाना है, उसके बाद जाइए सेटिंग में, उसके बाद देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा पहला वाला लिस्ट। तो लिस्ट में जाने के बाद देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन है फोल्डर्स नाम का, तो फोल्डर्स में आप जाइए और देखिए यहाँ पर जो मैंने यहाँ पर जो वीडियो सैम्पल्स जो जिसको मैंने हाइड किया था वो यहाँ पर शो हो रहा है क्रॉस दिखा के। तो आपको सिंपली इसको क्लिक करना है, उसके बाद जाइए शो में और हो गया। वापस अगर जाएंगे आप तो देखिए मेरा जो फिर से वीडियो सैम्पल्स था वो यहाँ पर आ चुका है। तो काफ़ी एक यूज़फुल ट्रिक है और इसकी मदद से आप कोई भी वीडियोस को आप हाइड कर सकते हो और इसके लिए कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन का भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको बिना लाइक करके मत जाना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो नीचे जो लाल रंग का सब्सक्राइब बटन है इसको दबा दीजिए नए वीडियो देखने के लिए। मैं मिलता हूँ एक और एक्साइटिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।